श्री शुक उवाच एकादश्यामिराहारः समभ्यर्च जनार्दनाम् स्नातुम् नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम् जलमाविशत् अष्टाविंशे ततो नन्दा नयनम् वरुणालयात् वैकुण्ठ दर्शनम् चाथ गोपानामनुवर्ण्यते गोवर्धनम् समुद्धृत्य वशे कृत्वा मरेश्वरम् नन्दा नयतः कृष्ण वरुणम् च वशे नयत्। गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया और इंद्र आकर के श्री कृष्ण के चरण में शरणागत हुए। अब सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान ने इंद्र को अपने वश में किया, उसी तरह अब इनके भाई वरुण देव को भी अपने वश में किया। एक दिन की बात है, नंद महाराज एकादशी को उपवास किए निराहार और भगवान की पूजा किए, जनार्दन की पूजा किए। यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस वर्ष भगवान ने गोवर्धन धारण किया उसी महीने की एकादशी थी, वो कार्तिक के शुक्ला एकादशी, जिसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान क्षीर सागर में उस दिन जगते हैं, हरिशयनी एकादशी को शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जगते हैं, तो उसको प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी कहते हैं। नंद बाबा उस एकादशी को निराहार रहे, एकदम कुछ खाए नहीं, निर्जला किए। जल पीना भी एक आहार है और फल खाना तो वो भी आहार है और दूध पीना तो महा आहार है। एकादशी के बिल्कुल शुद्ध ढंग से एकादशी इसलिए कहता है कि कुछ विशेष रूप से भगवान का भजन हो, स्मरण हो, पूजन हो उस दिन। तो एकादशी को उपवास रखे और भगवान विष्णु की पूजा किए। जनार्दन का अर्थ होता है जो अपने जनों की रक्षा करते हैं या दुष्ट जनों का विनाश करते हैं, ऐसे भगवान की पूजा किए। और स्नान करने के लिए द्वादशी में जलम आविशत, जल में गए, जमुना में स्नान करें। वास्तव में आवेश था व्रत की पूर्ति के लिए, ये जा रहे थे, थोड़े जल्दी चले गए। वे ये समझे कि अब भोर हो गया, स्नान कर लें। द्वादशी बहुत कम बची थी तो उन्होंने सोचा कि अब भोर हो गया, स्नान कर लें। एकादशी को वो सोए भी नहीं। वास्तव में वैष्णवजन द्वादशी प्रधान एकादशी करते हैं। एकादशी सूर्योदय के समय होना चाहिए और बाकी दिन सारा द्वादशी हो तो उसी को व्रत करते हैं, उसी व्रत को करते हैं। नंद बाबा ऐसा किए, एकादशी को निराहार रह करके और भगवान का पूजन करके, क्योंकि परम भागवत हैं नंद बाबा, तो एकादशी को व्रत किए और पूजन किए भगवान का विधिवत करके, जल्दी अब व्रत की पूर्ति करेंगे, पारण करेंगे, तो गए स्नान करने के लिए। द्वादशी अब कला मात्र थी, कला माने घंटा, एक घंटा बाकी थी बस।
तो द्वादशी के भीतर ही पारण हो जाना चाहिए, त्रयोदशी नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा कला मात्र द्वादशी थी तो पारण के प्रति भी बहुत आदर होता है वैष्णवों का, और ये नहीं जान रहे थे कि यह आसुरी बेला है, रात के समय स्नान करना, आधी रात के समय या कुछ और रात बीत गई थी, वो आसुरी बेला है, उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। उनको पता नहीं था, वे गए स्नान करने के लिए, तो जब वे स्नान करने के लिए चले तो एक दो और भी सेवक गए उनके साथ, क्योंकि वे राजा थे ब्रज के, तो उनको स्नान कराने के लिए और सामान लेकर के गए। आश्री बेला में चूंकि स्नान किए इसलिए वरुण देव का एक सेवक दूत उनको पकड़ करके ले गया वरुण लोक में, विभावरी में ले गया वरुण लोक। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं और वरुण देव संपूर्ण जल विभाग के मिनिस्टर हैं। तो ले गया हर करके दूत, तो उसे पानी में डुबा करके और ले गया वरुण लोक में। तो इधर सब लोगों ने हल्ला किया, हाय हाय नंद महाराज डूब गए डूब गए डूब गए, सब चिल्लाने लगे। क्यों उस समय स्नान किए, इस पर एक भक्त कहते हैं कि कलार्धम द्वादशी दृष्टवा निशीथा ऊर्ध्वमेव हि आम अध्यान क्रिया सर्वा कर्तव्य शंभु शासन। भगवान शिव ने बताया है कि अगर एक घंटे एकादशी रह गई है आधी रात के बाद, मतलब भोर होने से पहले एकादशी समाप्त हो जाएगी, तो उस समय मध्यान्ह तक सारी क्रियाएं की जा सकती हैं। कलार्धाम द्वादशी दृष्टवा निशीथा ऊर्ध्वमेव वही आ मध्यान क्रिया सर्वा कर्तव्य शंभु शासन। अगर एकादशी द्वादशी एक कला बाकी है, एक घंटा बाकी है, तो आधी रात के बाद भी कोई भी क्रिया की जा सकती है। वो द्वादशी तक, द्वादशी जहां तक है वहां, तो ये सोचे नंद बाबा कि अभी तो हम आधी रात के बाद स्नान कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो वे स्नान के लिए चले गए और स्नान किए, कालिंद्यां जलम आविशत, कालिंदी के जल में प्रवेश किए। तम गृहीत्वा नयत भृत्यो वरुणस्य असुरंतिकम्। वरुण देव का एक भृत्य था, वो असुर था, वो पकड़ करके वरुण जी के पास ले गया नंद बाबा। अविज्ञाया श्रीम बेला हम प्रविष्ट मुद्दम। नंद बाबा का अपराध क्या था? कोई अपराध नहीं, अनजान में आसुरी बेला नहीं समझ सके, स्नान करने के लिए गए जमुना में पकड़ कर ले। अगर आधी रात को स्नान करना है भोर के पहले, तो नल पर कर सकते हैं, कुआं पर कर सकते हैं, नदी में नहीं कर सकते। तो वही हालत जो वरुण जो नंद बाबा की हुई कर देंगे वरुण के दूत पकड़ करके ले। चुक्रुषु तम पश्यंत कृष्ण दामे की गोप का, तो वहां जो गोप थे वहां, और उसके बाद उनकी बात सुनकर सब चिल्लाने लगे तम अपश्यंत, नंद बाबा को घाट पर देखे नहीं कहीं, घाट पर नहीं देखे समुद्र डूब गए, या उनके साथ नहीं भी गए होंगे तो फिर देर हुई तो खोजने लगे, तो देखे कि धोती ओती लोटा ओटा रखा हुआ है नहीं। इधर उधर नार खोर में जमुना जी के तट पर देखे, कहीं पता नहीं लगा, हल्ला चालू थे तो डूब गए डूब गए। तो
वहां के गोपों का स्वभाव था किसी भी संकट में सबसे पहले कृष्ण को पुकारते थे, हे कृष्ण कहाँ हो, हे राम बलराम कहाँ हो, तुम्हारे पिताजी डूब गए। और ये शंका हो रही थी बाबा को, तैरने तो आता था, खूब अच्छा तैरना जानते थे, लेकिन किसी तरह से डूब गए। उनको पता नहीं था कि वरुण देव का सेवक पकड़ करके ले गए, तो हल्ला करने लगे वो लोग। तम अपश्यन तम कृष्ण नंद बाबा को न देख करके, हे कृष्ण हे राम इति गोप का, ये गोप लोग लगे पुकारने, भगवान तदुपस्थित पितरम बोलना है तम, भगवान उस समय सो रहे थे, श्री कृष्ण सो रहे थे। आवाज जब ऊंचा होने लगा, हल्ला होने लगा ब्रज में कि नंद बाबा को ले गया वरुण का सेवक, डूब गए। डूबने का मतलब कि वरुण कहीं आदमी ले जाएगा पानी में, तो ले गया। या वो लोग ये समझ लिए कि तो आधी रात के बाद तुरंत नहा रहे हैं, तो वरुण कहीं आदमी ले गए हूं। तो भगवान से कहने जोर जोर से जब बोल रहे थे, हे कृष्ण कहाँ हो, नंद बाबा संकट में पड़ गए, ऐसे हो गए, सब रोने लगे चिल्लाने लगे, तो भगवान जगे। भगवान तद उपसृत्य यदि सोए थे, और आप समझ सकते हैं कि कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जाड़ा आ ही जाता है, तो भगवान कम्बल अम्बल ओढ़ करके सो रहे थे, फिर भी सुन लिए। तब उपसृत्य सुने, क्या सुने कि पितरम वरुणा है तम, हमारे पिताजी को वरुण ले गया। भगवान झटपट ने कंबल हटाए, जमुना जी के तट पर दौड़े और जा करके उस जमुना में कूद पड़े, और वो भी डूब गए, मतलब गए वरुण जी के पास, चले गए अपने पिता को छुड़ाने के लिए। देखे भगवान की करुणा है, थोड़ी भी देर नहीं किए, जगे और तुरंत अपने पिता को लेने के लिए चल दिए। तदंतिकम गतो राजन, वरुण देव के निकट चले गए। आज का आदमी प्रश्न करेगा कि कृष्ण को क्या पता है कहां वरुण रहते हैं, कहां उनकी राजधानी है, कैसे चले गए। जैसे चले गए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान चले गए, भगवान है ना, उनके लिए कैसे चले गए प्रश्न उठता ही नहीं। भगवान छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, भगवान गए वरुण जी के पास, तो भगवान कृष्ण के लिए सुखदेव गोस्वामी विशेषण दे रहे हैं, स्वानाम अभयदः, अपने भक्तों को अभय देने वाले, उनका भय दूर करने वाले भगवान अपने पिता को लेने के लिए चल दिए। इसका अर्थ भगवान को सब पहले से पता है ना कि वरुण कहाँ रहते हैं और कैसे जाना होता है। आजकल तो किसी को कहीं जाना भी होगा तो पहले रेल जो हो, चाहे कार जो हो, विमान करो, ये जाओ वो जाओ, और इस पृथ्वी से बहुत दूर वरुण लोक विभावरी नीचे है, और भगवान श्री कृष्ण चले गए। क्या जरूरत इतना जल्दी जाने, क्योंकि वे स्वानम अभयदः, अपने भक्तों का भय दूर करते हैं, उनका कष्ट दूर करते हैं, ये उनका स्वभाव है। किसका कष्ट दूर करते हैं, स्वानम अपने लोगों का, अपने लोगों से मतलब अपने भक्तों का, अपने परिकरों का, दासों का दुख दूर करते हैं, जिनका स्वभाव है। श्री कृष्ण कोई आलसी भगवान नहीं है कि भक्त उधर विपत्ति में हुआ है, डूब गया है और उसको न खोजे। जो निराकार का भक्त है, अगर वो इस तरह संकट में पड़े तो निराकार क्या करेगा कुछ पता नहीं है, उबारेगा कि नहीं। और निराकार को कोई पुत्र मान भी नहीं सकता है ना, भगवान है का अंग है तो उनको पुत्र माना जाता है। नंद बाबा वात्सल्य भाव से प्यार करते थे।
नंद बाबा के घर में साक्षात भगवान हैं तो वे क्यों व्रत कर रहे थे एकादशी चाहे पूजा ऐसा? पूजा पाठ किया जाता है भगवान की प्राप्ति के लिए, और जिसके घर में स्वयं भगवान हैं तो उसको क्या उपवास करने की जरूरत है? हरिश्री जी इस पर कहते हैं, कृतार्थस्य कर्तव्यमस्मिन् न यद्यप अथाप्यन्यवत् कार्यमालक्ष्य कार्यम्। कृतार्थस्य कर्तव्यमस्मिन् न यद् अन्यथा अन्यवत् कार्यमालक्ष्य कार्यम्। न चेत् प्रचारी प्रगल्भोपि भूय सवा इत्यभिव्यक्तमासीत् ब्रजेशे। ब्रजेश में नंद महाराज में यह बात प्रकट हुई, भले कोई कृतार्थ है, जीवन का लक्ष्य पूरा कर चुका है, धन्य है, लेकिन चाहिए उसको कि शास्त्रों में जो कर्तव्य करने के लिए कहा गया है उसको जरूर करे, जरूर कर। यह नहीं समझ ले कि अब तो मैं पहुंच गया, अब सिद्ध हो गया, अभी एकादशी आदि क्या करना है, यह बहुत बड़ा प्रेमी बन गया। वृंदावन में कुछ ग्रुप है लोगों का एकादशी नहीं करते हैं, और मानते हैं भगवान की लीला के हम परिकर, भगवान का बाप एकादशी कर रहा है, तुम क्यों नहीं करोगे? किया ना एकादशी, अब भागवत सुन रहे हैं ना। रिबोल चंद्रिका, सब लोग नंद बाबा को खोज रहे हैं, आप सो रहे हैं? इतना प्रेम नहीं है नंद बाबा से। नंद बाबा को एकादशी करने की क्या जरूरत है? हरिश्री जी कहते हैं जरूरत है, चाहे भगवान हो चाहे भगवान का बाप ही हो, एकादशी जरूर करना चाहिए। सुन लीजिए भागवत की कथा है, अब उनसे सिद्ध उनसे कृतार्थ कौन व्यक्ति होगा? तो श्रुति में परे स्मृति में तरे भारत मन में भजंत भव भीता अहमि नंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। कोई महाभारत पढ़े, कोई वेद पढ़े, पुराण पढ़े, पढ़ता रहे, उसके अनुसार साधना करे, हम तो केवल नंद महाराज के चरणों की वंदना करते हैं जिनके आंगन में परब्रह्म खेलता है, इनसे बड़ा धन्य कौन होगा? लेकिन फिर भी एकादशी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्या जरूरत है, नाम जप किया तो पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, मंगला आरती आदि में भाग लेने की कोई जरूरत नहीं, नाम जप कर ही रहे सबसे बड़ा साधन नहीं। कोई कितना भी बड़ा हो उसे चाहिए कि उसके जो कर्तव्य है, दैनिक नियम है, इसको जरूर करे। एक बार मैं कहा कि स्नान जरूर करना चाहिए, तो एक भक्त कहा जट भरत जी तो बिल्कुल नहीं नहाते, जट भरत हो गए। नहीं नहाने में प्रमाण है, तो नंद बाबा नियम कर रहे थे, भगवान ने शयन छोड़ करके खुद पड़े जमुना में अपने पिता को लाने के लिए, वरुण लोक जाने के लिए। भगवान इस लीला द्वारा यह कहते हैं कि मैं कोई भी काम छोड़ सकता हूं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। यह नहीं सोए सोए कह दिए कि अरे आ जाएंगे कहीं गए होंगे, क्या खोजना, न परेशान होने की क्या जरूरत है। आधुनिक युग में आदमी ऐसे ही करे, बूढ़े आदमी हैं, इधर उधर चले गए, कोई चिंता मत कीजिए आ जाएंगे।
भगवान झटपट पलंग से कूदे और जाकर के जमुना में आए। इसका मतलब आई कह रहे हैं कि गुर्गा ने एक व्यक्ति कुआं में गिर गए थे और मर गए थे, तो बहुत देर रात भर उसी में रह गए, शाम को गिरे थे। तो घर के लोग कहते हैं कहीं हिताई में चले गए हों, कहीं संबंधी के यहां चले गए हों, क्या चिंता कर रहे। सवेरे कोई गए देखे तो उसी कुएं में गिर करके मरे। भगवान की भक्तवत्सलता देख तुरंत चल गए। एक ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने सुना कि उनके पिताजी को वरुण दे गया है, तो तब अंतिकम कहता भगवान, तब अंतिकम निकटम, वरुण के बिल्कुल निकट चले गए। लगता है कि भगवान को जाने में कोई चलना नहीं पड़ा, तुरंत वहां प्रकट हो गए, चले गए वरुण के पास, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अभय देते, भय दूर करते। और सब लोग रो रहे थे, वो बेचारे करे क्या, ब्रजवासी गोप लोग सब चुक्रुशु रुरुदु रो रहे थे, पुकार रहे थे, बाबा कहाँ गए हो, ये कुछ रोते थे, छाते पीटते थे, इधर उधर घूम रहे थे। भगवान तुरंत समझ गए जो कहाँ गए, सीधे चले। सबको कहे कि आप लोग यहां शांति रखिए और मैं ला रहा हूं अपने पिताजी को, चले। उपश्रुत्य यहां लिखा गया निकट से सुनकर, तदानीम दूरतः पुष्प सज्जा या शयानो अपि, उस समय भगवान फूल की सज्जा पर सो रहे थे, सब लोग हल्ला किए तो दूर से ही सुने। सर्व देश वर्तित्व, भगवान तो सभी जगह हैं, अतः वे निकट से ही सुन लिए। पितरम बोलना है तब, मेरे पिता को वरुण का दूत ले गया है, तदंतिकम तस्य वरुणस्य अंतिकम निकटम गत जगाम, चले। जब भगवान को अपने धाम में आए, घर आया हुआ वरुण देव ने देखा, तुम बहुत प्रसन्न हुए। प्राप्तम विच्छेहर्षि युकेशम लोकपाल सपर्यया महत्या पूजयित्वा तद्दर्शन महोत्सव। लोकपाल, श्री वरुण देव एक लोकपाल हैं, लोगों का पालन करने के लिए उनका जोन बटा हुआ है, पूरा जल विभाग के यही अध्यक्ष हैं, जो वर्षा हुआ जल समुद्र आदि में है उसके मालिक वरुण देव हैं, वर्षा कराने के मालिक इनके भाई इंद्रदेव हैं, ये माता अदिति के पुत्र हैं, सहोदर भाई हैं इंद्र के। इन्होंने देखा प्राप्तम विक्ष हृषिकेशम, हृषिकेश इंद्रियों के नियंता भगवान श्याम सुंदर को देखे, देख करके वे खड़े हो गए, बहुत संकोच में पड़ गए, आनंद तो बहुत हुआ। तो महत्या सपर्यया, बहुत बड़ी पूजा किया, विविध सामग्रियों से भगवान की पूजा किया उन्होंने। पूजा में कई चीज होता है, कई चीजें दी जाती है, जैसे एक वस्त्र दिया जाता है, वस्त्र नैवेद्य और क्या क्या, सोना चांदी ये सब देना। तो वरुण देव तो बहुत धनी है, ये सब दिए भगवान को, पूजा किए। इधर लोक में पूजा करते हैं तो सब लोग वस्त्र अर्पित करते हैं, लेकिन वस्त्र अर्पित करना हो तो कहेंगे वस्त्राभाव सूत्रम, वस्त्र का अभाव हो तो एक डोरा लपेट देना चाहिए, जैसे कलश पर की पूजा करते हैं। तो सब में पंडित लोग बस इसके अभाव में, इसके अभाव में ये नैवेद्या भावे चूर्णम, नैवेद्य न हो, भोग लगाने की चीज मोहन भोग आदि न हो तो
गेहूं या चावल का चूर्ण बांट दीजिए, सब अभाव ही अभाव है। जो खाने के लिए रोटियां बन रही हैं और देवता की पूजा के लिए अभाव है। नैवेद्या भावे साली चूर्णम, नैवेद्य न हो तो वो भी गेहूं का आटा नहीं चावल का आटा चौरस्थ चढ़ा दे। वस्त्रा भावे सूत्र, वस्त्र न हो तो एक डोरा अर्पित कर। सब चीज अभाव है, लेकिन वरुण देव ने जब भगवान की पूजा किया तो महती सफर गया, महत्या सफर गया। उन्होंने भगवान को आभूषण अर्पित किया, वस्त्र अर्पित किया और धूप दीप आरती आदि तो किया ही, चरण धो करके इसके बाद खिलाया पिलाया, खूब खिलाने पिलाने की व्यवस्था किया। पिता को छुड़ाए बिना भगवान खा कैसे सकते थे। तब दर्शन महोत्सव, भगवान के दर्शन से वरुण देव को महान उत्सव हुआ, महान सुख मिला। और भगवान की पूजा करके वे अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। अहो वरुण उवाच, अहो मे निभृतो देहो अद्यैवार्थोधिगत अद्यैवार्थोधिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् अवापुः पारमध्वनः। अहो आज ही मेरा जीवन पूर्ण हुआ, शरीर धारण करने का फल आज मिल गया, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है पुरुषार्थ है वो आज अधिगत हुआ और आज ही मेरा देह पूर्ण हुआ। तो पाद भाजो भगवान अवाकुह पार मध्वन, हे प्रभो अद्य मे मया देह निभृत, आज आपके द्वारा मेरा देह पूर्ण हो गया। मैंने हजारों हजारों लाखों करोड़ों देह धारण किया लेकिन देह आज ही सफल हुआ है कि इस देह से आपका दर्शन मिला, आंख से दर्शन मिला, हाथ से आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, आपका गुण गाने का अवसर मिला जिह्वा को। तो एतावत दिन पर्यंतम इसके पहले और जो भी शरीर मिला सहस्रशः देह वृथैव धृता, व्यर्थ ही देह धारण किया। जदा तो दर्शनम जातम तदैव देह साफल्यम प्राप्तम इत्यर्थ, जब आपका दर्शन हुआ है तभी देह की सफलता हुई। युवा अद्य में मम देह निभृत पूर्ण मनोरथ, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। युवा निभृत नितरान भृत मुहूर्त देह धारण से फलम अद्यैव सम्यक उपलब्धम इत्यर्थ, देह धारण करने का आज ही फल मिला। आपका जब तक दर्शन नहीं हुआ था तब तक देह धारण करने का फल नहीं था, व्यर्थ में जिया। ये लोग व्यर्थ जी रहे हैं जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, जीने से कोई फायदा नहीं है। कोई कहे क्यों नहीं फायदा है, खाने को मिलता है, जी रहे हैं तो और चीजें मिलती हैं और इस प्राकृत जगत का सम्मान मिलता है, वस्तुएं मिलती हैं। लेकिन एक देवता बोल रहे हैं वरुण देव कि आपका दर्शन मिला, आपकी सेवा का सौभाग्य मिला तो देह धारण करने का फल आज ही हुआ है। वैसे पहले से ही भक्त थे, भगवान की कथा सुनते थे, भगवान की पूजा करते थे श्री विग्रह की मूर्ति की, लेकिन पूर्ण जो मनोरथ हुआ, पूर्ण क्या है, पूर्ण सफलता वो है भगवान कृष्ण के का दर्शन करना और उनकी डायरेक्ट सेवा करना, ये है पूर्ण। तो वरुण देव जी कहते हैं कि आज ही मेरा देह धारण करना पूर्ण हुआ है, अर्थात मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ और आज ही मेरे जीवन का पुरुषार्थ अधिगत हुआ। अव्ययव अर्थात अव्ययव आज ही, न तो पहले पूर्वम, पहले नहीं हुआ। मैं सर्व रत्नाकर पति हूं,
जितना रत्न है सब समुद्र में है और उसके अधिपति हैं वरुण देव, सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं वरुण देव। कुबेर जी कैशियर हैं, पैसा रखते हैं लेकिन धन उनका नहीं होता है, कैशियर को इतना अधिकार नहीं होता है कि दे दे इतना है, आप जानते हैं कैशियर बैंक में उसके पास बहुत नोट होता है लेकिन उसका कुछ नहीं होता है, केवल गिन कर लेना देना लेना देना ये करता रहता है, तो धन दूसरे का होता है। तो कुबेर जी के पास धन है, बहुत खजाना है लेकिन वो दूसरे का है, और वरुण देव के पास धन जो है खास उनका है, ये नहीं कोई दूसरा फोन करेगा कि इतना दे दीजिए तब वो दे दे, कुबेर जी को कहना पड़ता है मालिकों को कि आप इतना दे दीजिए इसको, आज इतना दे दीजिए इतना दे दीजिए, कोई चेक लेकर के जाता है तो दे। तो वरुण देव समस्त रत्नाकरों के अधिपति हैं, समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, रत्न का आकर खजाना, और समस्त समुद्रों के अधिपति वरुण देव हैं। तो बताइए जो समस्त धन का रत्नों का अधिकारी है वो कह रहा है कि आज ही मेरा जन्म सफल हुआ है, इसका अर्थ है कि धनी भी व्यक्ति हुआ है, खूब खा रहा है पी रहा है घर बना रहा है कुछ भी कर रहा है, पर भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो बिल्कुल बेकार आदमी है, कुछ भी हो धन क्या करेगा, धन मृत्यु को नहीं रोक सकता, बुढ़ापा को नहीं रोक सकता, जन्म मरण को नहीं मिटा सकता है, बल्कि और धन से पाप होता है और घोर नरक में व्यक्ति गिरता है। तो संसार का सबसे धनी व्यक्ति कह रहा है कि आज ही मेरा जन्म सार्थक हुआ है जब आपका दर्शन हुआ। ये पद भाज हे भगवान, जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, तत्पाद भजंती इति तथा तत्पाद भाज, आपके चरण कमलों की जो सेवा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, ये अध्वन संसारस्य पारम अवातु, जो आपके भक्त हैं आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं भजन करते हैं तवे जन्म मृत्यु की परंपरा को पार कर जाते हैं, उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर नहीं मरना पड़ता, और जन्म मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख नहीं भोगना पड़ता है। मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करके, और मैं इससे भी अधिक धन्य अपने को समझूंगा जब प्रभु आप हमको कुछ आज्ञा देंगे करने के लिए। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नजत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए श्री वरुण देव बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, लोक सृष्टि विकल्पना, लोक सृष्टि देव मनुष्य आदि शरीर की सृष्टि, नाना प्रकार की जो सृष्टि है, यह सृष्टि जिनमें नहीं है, त्वयि ईश्वरे न प्रभवती थी, यह सृष्टि जो संसार में है, विविध जीव बने हैं, काम धंधा जो कुछ हो रहा है, भगवान के धाम में ये सब नहीं है, भगवान के धाम में सृष्टि और विनाश नहीं है, यहां तो सृष्टि है और बहुत कठिन है इसको चलाना, सृष्टि होती है जन्म मिलता है लेकिन फिर तुरंत इसके बाद बुढ़ापा, उसके पहले रोग, भूख प्यास सर्दी गर्मी, इस संसार का एक नियम है, लेकिन भगवान के धाम में ये सब बिल्कुल नहीं है। परस्तस्मात् भावन्य अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, वहां का वातावरण बिल्कुल सुखद है, पूरा लोक समशीतोष्ण है और चिन्मय है, कोई रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई किसी प्रकार का किसी के मन में कोई दुर्भाव नहीं है, सभी भगवान से प्रेम करते हैं,
तो ये सब लोक सृष्टि विकल्पना, लोक सृष्टि का विविध भेद आप में नहीं है, या लोक सृष्टि करने वाली माया जत न श्रूयते, भगवान के धाम में, भगवान में माया विद्यमान नहीं है। अविद्यमाना एवं तिष्ठति के अर्थ न श्रूयते, भगवान के धाम में माया नहीं सुनी जाती है, है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं वहां होता है, बाहर ही रहती है भगवान के धाम से। तस्मय ब्रह्मणे पूर्णाय परमात्मा ने सर्व जीव नियंत्रे सर्वांतर जामी रूपाय भगवते पूर्ण सद्गुणे स्वर्जेण स्वलोकादौ विराजमानाय तुभ्यम नमः। आप छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, आप अपने धाम में विराजते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सभी जीवों के हृदय में भी हैं और अपने धाम में भी विराजमान रहते हैं। यहां यह सब परमात्मने भगवते नमः का अर्थ है कि आप सभी जीवों के हृदय में भी हैं, परमात्मा है, इसके साथ साथ अपने धाम में लीला करते रहते हैं, रास विहार आदि करते हैं, गोवर्धन धारण आदि करते हैं, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। फिर क्षमा मांग रहे हैं, अजानता माम के न मुढ़े न कार्य वेदना आनी तो यम तो पिता तत् प्रभो क्षण तुम्हारा से। अब नंद बाबा को उनका पार्षद पकड़ करके ले गया था, इसलिए सेवक के द्वारा की गई गलती को स्वामी स्वीकार कर रहा है। वास्तव में किसी का सेवक कोई गलती करे तो वो गलती मालिक का माना जाएगा, ये नियम है। तो वरुण देव कह रहे हैं कि प्रभु हमको क्षमा कीजिए, मेरा ये जो दूत है ये मूढ़ है, मूढ़ न एकदम बेवकूफ है, आदमी पहचानना चाहिए ना कौन आदमी कैसा है। आधी रात को कोई स्नान करे तो उस पकड़ करके ले आओगे, तो मूढ़ है, आदमी नहीं पहचानता है। आदमी मतलब वहां तो आदमी नहीं तो देवता है। आदमी का अर्थ है कौन किस पोजीशन का है, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ये विवेक रखना चाहिए ना। व्यवहार में भेद होना चाहिए, भले भाव भेद न हो, मन में सबका आदर करे, सभी समान है ये भावना करे, लेकिन व्यवहार में तो विषमता होती होनी ही चाहिए। अतो महापराधो की त्वया क्षन्तुम् युज्यते, आप चूंकि भगवान हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, इसलिए अब क्षमा करना ही आपके योग्य है। और हम लोगों के लिए क्या योग्यता है, अपराध करना, गलती करना, यही हमारा स्वरूप है। गलती करना ही हमारा स्वरूप है, और गलती को न रिएक्शन लेना या क्षमा करना ये आपका स्वभाव है। एक कवि ने कहा है कि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात। जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए कि क्षमा करें, उनका यही इनिशियल शोभा है, और छोटे की शोभा क्या है, उत्पात करने। तो कवि कहता है कि कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगु मारी ला, भगवान से सज्जे पर सोए थे और ये भृगु नामक ऋषि ब्राह्मण जाकर के भगवान के छाती में लात मारे, तो उससे क्या बड़ाई होती है भृगु की, और भगवान की कोई हीनता हो गई क्या कि उनको एक ब्राह्मण लात मार दिए। कहा विष्णु को घटी गयो, क्या भगवान का घट गया, बड़ाई ही हो रहा है आज तक भगवान एक ब्राह्मण की लात सह लिए। बड़ाई सब लोग करते हैं पर भृगु जी कोई बड़ाई नहीं करता है, अरे इतना बड़ा प्रचंड व्यक्ति की भगवान को लात मारे, कोई ऐसा नहीं कहता, बल्कि वो इटे लक्ष्मी जी रंज होकर के सारे ब्राह्मणों को साप दे दे कि गरीब रहेंगे, क्योंकि छाती पर लक्ष्मी जी रहती हैं और वहां भृगु जी ने लात मारा।
तो कोई कोई ब्राह्मण भी धनी होते हैं, लेकिन जनरली भिकमंगा होते हैं। कितना भी धन हो जाए लेकिन उनको मांगने की आदत जाती नहीं है, देखा गया है। मैं ऐसा भी सुना है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं हल चलाने के लिए दूसरा रखे रहते हैं मजदूर, और अपने बस लोटा पुलिस में निकाल लेते हैं। लोटा पुलिस में भीख मांगा, उनका हल चला रहा है दूसरा व्यक्ति और वो चल देते हैं अब लोटा पुलिस में। हमारे यहां लोटा पुलिस मतलब भीख मांगा। हम लोगों की कुछ शब्दावली है लोटा पुलिस का, अरे तो लोटा पुलिस ही है। ब्राह्मण में संतोष आ जाए तो देवता है, लेकिन संतोष आए तब ना संतोष नहीं रहता। तो बताइए, भृगु जी जाकर के भगवान के वक्षस्थल में लात मारे तो भृगु की कोई बड़ाई होती है क्या कहीं पर भी? और भगवान की सब जय जयकार करते हैं ये सुन करके कि इन्होंने क्षमा किया, कुछ नहीं कहा। तो वरुण देव कहते हैं कि आपके लिए क्षमा उचित है, और हम जैसे आदमी के द्वारा उत्पात, यही मतलब हम लोगों का स्वरूप ही है, इतने अधम है, इतने नीच हैं, यही कर रहे हैं। तो हमारे सेवक ने अकार्य किया है, अकार्य वेदी है। सेवक वहीं पर खड़ा था, उसके बदले में वरुण देव क्षमा मांग रहे हैं। ये महान व्यक्ति का स्वभाव होता है कि अपने पुत्र द्वारा, अपने शिष्य द्वारा, अपने सेवक द्वारा जो गलती हो गई है तो उसको अपनी गलती मानता है। वरुण देव जी महसूस कर रहे हैं कि ये मेरी गलती है। आखिर उस सेवक को सिखाया गया होता तो भगवान के पिता को क्यों पकड़ कर दिया? अजानता माम के न मूढ़े न कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता आनी तो यम तव पिता तब प्रभो छंतु मरहसि। हे प्रभो, हे क्षमा करने में समर्थ, अकार्य वेदिना अकार्य वेदिना विवेक शून्य न इति जावत। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको ये मेरा सेवक बिल्कुल नहीं जानता है, बेवकूफ है। वरुण देव सोचे कि भगवान अब आए तो पहले हो सकता है कि उसको मंगवा करके पिटवा, कौन लाया है आपका सेवक? सेवक को और आपको दोनों को दंड दिया जाएगा। शायद वरुण देव इस आशंका में थे क्योंकि अभी अभी उनके भाई को भगवान ने मारा नहीं, लेकिन बहुत भारी अपमान किया है, गोवर्धन धारण करके इंद्र का अपमान हुआ, इंद्र चरण में गिरे, तो सारी बात दुनिया में फैल चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि भगवान आए हैं तो अब सेवक की क्या पिटाई होगी और हमारी क्या होगी। तो महान पुरुष हैं, वे तुरंत कहने लगे कि प्रभु, ये मेरा सेवक जो अकार्य वेदिना अकार्य वेदी है, नहीं करने लायक काम कोई करता रहता है, अकार्य वेदी, करने लायक काम को नहीं कर पाता है, नहीं करने लायक जो कर्म है उसको करने में पटु है। क्यों? क्योंकि मूढ़े न, मूर्ख है, भगवत धर्म ही नहीं नवा, ये वैष्णव बिल्कुल नहीं है। क्या करें, ऐसे नौकरी पर रह गया है तो हटा नहीं सकते। कभी कभी लोग बाध्य हो जाते हैं, मालिक भी कोई, जैसे आजकल की सरकार है, क्या करे, बेचारी बाध्य है। कोई कोई शिक्षक ऐसे होते हैं वो बिल्कुल दुष्ट पढ़ाने नहीं जाते हैं,
बच्चों को पढ़ाते नहीं है, सरकार के पास पावर भी नहीं कि उसको डिसमिस कर देता है ना, ऐसा देखा जाता है। शिक्षक को तो चाहिए कि अपने पुत्र की तरह बच्चों को पढ़ा रहे, 10 बजे का टाइम है, उसे पहले एक घंटा चलेगा पढ़ा रहे ममता के साथ, लेकिन इतनी शैतानी ये लोग कर रहे हैं, बल्कि एक घंटा लेट जाएंगे और जाकर के भी वहां खैनी खाते रहेंगे, बच्चे पढ़ो 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 पढ़ो, रिमोट पावर से क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ाओगे तभी ना पढ़ेगा, रिमोट कंट्रोल से बस पढ़ो, कुर्सी पर बैठा है बस पढ़ लेंगे, और वेतन लेने के दिन पूरा तत्परता है। तो मैं गलती तो नहीं बोल रहा हूं ना, तो वरुण देव जी कहते हैं कि ये मूढ़ है, अकार्य वेदी है, तो रखे क्यों है, क्या करे, उसका परिवार रोने लगता है कि आप हमारे हमारे आदमी को हटा दिए। वरुण देव के पास स्त्री पहुंच जाती, लड़के रोते हुए पहुंच जाते, कैसे जिए मैं। तो वे कह रहे हैं कि ये अकार्य वेदी है, मूढ़ है, अरे नहीं जानता है शास्त्र आदि का नियम। इसको जानना चाहिए कि द्वादशी थोड़ी हो तो अरुणोदय के पूर्व भी जल में स्नान किया जा सकता है, ये शास्त्र से अनभिज्ञ है और आपके प्रभाव को नहीं जानता है। कम से कम इस दुष्ट को ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये भगवान के पिताजी हैं, तो उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको कुछ देना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, तो उल्टे अरेस्ट करके यहां लाया है। माम के न मत भृत्य न मेरे भृत्य के द्वारा तव पिता आनीत, आपके पिताजी लाए गए, कहां हैं, तो वही अयम अयम आपके पिताजी ये रहे, वहीं पर बैठाए थे नंद बाबा लाकर। भगवान जब आए तो सबसे पहले द्रौपदी जी नंद बाबा को लाए, और तो नंद बाबा चूंकि गोप हैं और वो देवता का लोक है, वहां तो अपार धाम है, स्वर्ग सोने के सिंहासन पर वरुण देव बैठते, चारों तरफ सेवक खड़े रहते थे देवता। नंद बाबा बैठना भी नहीं जानते थे, रासलीला में देखा है लोग, कोई वरुण बना हुआ है तो नंद बाबा को बैठाया गया तो सिंहासन ऐसे बैठिए इस पर, बैठा गया तो कुर्सी पर इधर मुंह करके बैठे, लीला में दिखा रहे थे। तो कोई कोई कहता है नहीं ऐसे नहीं बैठा जाता है, तो इधर मुंह करके बैठे, इधर बैठा जाता है, ऐसे बैठा जाता है। देवता के समाज में नंद बाबा गए थे, उनको पता नहीं है कि हम कैसे बैठा जाएगा। जब कृष्ण गए और सारे देवता खड़े हो गए, वरुण महाराज लगे पूजा करने भगवान की, तो नंद बाबा चकित हो गए कि बाप रे कितना बड़ा ऐश्वर्य है इसका, वरुण देव भी इसको साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। निश्चित ही हमारा बेटा भगवान है, यहां शंका एकदम धस गई, निश्चित भगवान। फिर विचार करने लगे, उधर उस दिन आया तो इंद्र क्षमा मांगा, बात फैल गई थी, इंद्र क्षमा मांगा और फिर वरुण देव क्षमा मांगे, क्षमा मांग रहे हैं, सब नंद बाबा के सामने बात हो रही थी, क्योंकि वरुण देव कह रहे कि अयम तव पिता, ये पिताजी रहे, उनको बहुत अच्छे सिंहासन बैठाया गया था नंद बाबा को, और वरुण देव खड़े हैं, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, ये आपके पिता रहे, इनको हर करके लाए, बताए कितने भोली भाली गाय के समान आपके पिताजी हैं, ये दुष्ट मेरा सेवक हर लाया उनको, प्रच्छंतु मर्ज आप क्षमा कर दीजिए इसको, हमको वरुण लोक निवासी सबको आप क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो किए ही है, भगवान मार थोड़े रहे हैं,
भगवान तो क्षमा के समुद्र है। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं प्रसादितः कृष्ण भगवान अखिलेश्वर, सबके ईश्वर अखिलेश्वर, खिल का अर्थ होता है अपूर्ण और अखिल का अर्थ होता है पूर्ण। अखिल मतलब ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सारे देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, सबके जो ईश्वर हैं वे हैं अखिलेश्वर। अखिला नाम ईश्वर, समस्ता नाम ईश्वर, भगवान और सबके परमेश्वर कृष्ण जब इस प्रकार वरुण देव द्वारा प्रसादित हुए, वरुण देव ने अनेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया, तो वरुण देव नंद बाबा के लिए भी बहुत धन दिए और कृष्ण को बहुत दिए, अलंकार आदि धारण कराए, बहुत धन दिए, नगद भी दिए, नगद मतलब स्वर्ण मुद्रा, कागज सागज नहीं नोट दिए, स्वर्ण मुद्राएं दिए और नंद बाबा को दिए। तो भगवान अपने पिता को लेकर के आदाय आगात पितरम बंधु नाम चाबहन मदन, अपने पिताजी को लेकर के आए और सब तो निराश हो गए थे, लेकिन वहीं फिर जमुना के पानी में से उतरे और कपड़ा पड़ा नहीं भींगा था कुछ भी, ये भगवान की भगवत्ता है सब। नंद बाबा भी खूब अच्छी तरह से आए, बंधु नाम मुदन आवहन, और देख करके गोप गोपी बड़े प्रसन्न हुए कि बाबा आ गए, बाबा आ गए, कहाँ गए थे। कृष्ण से पूछते होंगे कि कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, और इतना पैसा लेकर के आए, गहने लेकर के आए, सबको बहुत खुशी मिली। मुदम आवहन, बहुत हर्ष बढ़ रहा था, बल्कि लोग ये अच्छा मान रहे थे कि नंद बाबा को बल ले गए, इधर से आए तो इतना पैसा लेकर के आए, अच्छा हो गया, बहुत खुश थे। मुदम आवहन, बहुत प्रसन्नता हुई। मुदम आवहन, मुदम का अर्थ मोद, खुशी, आवहन मतलब और बहुत ढो ढो करके लोग खुशी लावे, उसको कहते हैं आवहन। अरे कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो और फिर भी कुछ पैसा मिले तो अच्छा है। यहां की एक घटना याद आ गई, इसी पहाड़ की घटना है। डुमरावा के एक भक्त हैं, वो शायद आए हैं यहां पर, रामचंद्रस, क्या नाम होगा, श्याम, श्याम रामदास। तो ये एक व्यक्ति के साथ पहाड़ में, इसलिए मैं शुरू से नहीं कहूंगा तो सब लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये राम श्याम दास, इनका नाम राम सकल सिंह है ना, राम सकल सिंह और एक और व्यक्ति एक कोल्हुआ जा रहे थे, लेकिन डुमरामा जो लोग देखे होंगे वो सब आ जाएंगे, तो बहुत लोग तो देखे नहीं है। पहाड़ पर डुमरावा एक गांव है, वहां से जा रहे थे कोल्हुआ, संगीत माधव के गांव। तो ये राम श्याम दास, इनको नियम बताया गया है, दीक्षित भक्त है, तो खैनी नहीं खाना, मतलब तंबाकू नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, ये सब नियम है। तो ये नियम में थे और इनके साथ एक और कोई व्यक्ति जा रहे थे, वो तंबाकू खाते थे। तो चलते चलते कुछ दूर जाने पर लगभग अब वो आने वाला था गांव कोल्हुआ, तो इनके मित्र को तंबाकू खाने की इच्छा हुई और उसी समय हुआ क्या कि एक व्यक्ति कोल्हुआ कहीं जा रहा था, तुम्हें कहा था ना, कोल्हुआ कहीं जा रहा था और अपने छोटी बच्ची को साथ में लेकर जा रहा था, साथ में जा रहा था, और ये लोग ये रामकृष्णदास से माला वाला खूब लगाए थे तुलसी का, एक तो कंठ में भी लकड़ी की माला थी तुलसी की,
और ऐसे खून लगाए तो टीका किए थे, तिलक। तो उसको शंका हो रही थी उस आदमी को, ये हो न हो ये ओड़का है। ओड़का का अर्थ होता है जो नर बलि देते हैं, मनुष्य को काट करके काली जी को चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बलिदान देते हैं। ओड़का केवल तिलक मोटा मोटा करने से, रामानंदी तिलक जैसे किए थे, उसको कुछ भय हो रहा था। तो यह इनका मित्र इनसे कह दिया कि भोजपुरी भाषा में बोला कि तब हो राम से कहल आपन वाली कल जाओ ना। आपन वाली कल जाओ मतलब हम लोगों को जो करना है वो करें ना। उसके कहने का आशय था कि आप हमको छूट देते हैं ना भाई, आप तो नहीं खाते हैं तंबाकू, लेकिन हम खाएं ना, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। लेकिन शब्द था कि तब हम आपन वाली करी ना। इतना सुनते हैं वो जो आदमी था कोल्हुआ को, लड़की छोड़ छाड़ करके भाग, लड़की भी पीछे से भागी रोते हुए, लेकिन वो भागा चला गया कि बाप रे बाप, तो उड़का है बलिदान देंगे। तो धक कलेजा करने लगा, भागे गांव में चले गए और हल्ला किए कि उड़का आ रहे हैं दो, ऐसे वैसे, अरे बाप हमारी लड़की को मार डालेंगे चाहे हमको मार डालेंगे, बलिदान दे देंगे। लड़की भी रोते रहते गई, और गांव में गए तो कहे कि उड़का है, ऐसा ऐसा कह रहे थे कि हम अपना वाला करें ये वो। तो गांव के लोग निकले डंडा लेकर, और उसी गांव में इस भक्त की ससुराल थी। तो लोग निकले गांव से और अब कोई विचार नहीं करता है, और सीधे आकर के मारो मारो, एक व्यक्ति आकर के इनको एक लाठी मार दी। लाठी मार दिया तो बाद में, अब तो उस गांव के दामाद थे, किसी ने पहचाना तो कहा अरे पाहुन को मार दिया, पाहुन को मार दिया, ये पाहुन उड़का नहीं है, उड़का नहीं है, इनको खून चू रहा था। तब इसके बाद अब मीटिंग बैठी पंचायत कि पाहुन को मार दिया, ये किया वो किया वो किया। तो जो मारा था व्यक्ति वो भी आया पंचायत में, सब बैठी पंचायत, तो इसने गलती किया है, इसने मारा है लाठी से, गांव के पाहुन को और उड़का कह करके मारा है। तो लोगों ने ये छोड़ दिया, ये सब बताते हैं हमको संगीत माधव दास। लोगों ने पंचायत में ये कहा कि तो पाहुन की इच्छा पर छोड़ दिया जाए, जो चाहे, क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं। तो ये कहे पहलवान थे उस समय, ये कहे कि हमको एक एड़ा मारने दो इसको। तो गांव के लोग कहे कि तो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यहां से लगभग 20 वर्ष पहले की बात, नहीं 16-17 वर्ष तो भक्त हुए हुआ, तो उसके बाद की घटना है। नहीं 20 वर्ष से ज्यादा भक्त हुए, तो ये 20-22 वर्ष पहले की घटना है। पंचायत बैठी, एक वक्त नहीं इनको मारने नहीं दे रहे, मारेंगे तो तुम मर जाएगा, पेट पर मार देंगे तो क्या हो। तब पंचायत में निर्णय किया गया कि उस पर 500 रुपया जुर्माना लगेगा जो मारा है लाठी। इनको फिर 500 दिया, वो इनको दे दिया, धौरा गए, कुछ लगाए होंगे दवा का टेबलेट खाए होंगे, ठीक हो गए। ठीक हो गए तो इनसे हम लोग भी मिले थे, हम सब बात पूछे कैसे क्या हुआ था क्या हुआ था। तो बहुत चोट लग गई होगी, ये कहते हैं नहीं 20 रुपया लगा दवा में धौरा, 480 रुपया मिला।
तो मैं तो चाहता हूं कि रोज कोई मारे और हमको 500 मिले। अजीब बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं कि रोज कोई, हम चाहते हैं कोई मारे और 20 रुपया लागी 480 रुपया फायदा। तो यह मुदम आवहन पर कह रहे हैं कि लोग पहले से ज्यादा सुखी थे कि नंद बाबा आ गए आ गए, तो इसके लिए नहीं, वास्तव में कि बाबा धन लाए थे इसके लिए सुखी नहीं हुए, लेकिन दृश्य देख करके कि कहां गए थे, वरुण ले गए थे, वहां से कोई आज तक लौटा है, लेकिन कृष्ण लाए, कृष्ण का प्रभाव देखो, ये देखो, लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार अपने पिताजी को भगवान छुड़ा लाए वरुण लोक से, यही शीर्षक है इस किताब में। अब यहां आकर के नंद बाबा अपने गांव में, नंद गांव में, और सभी गोपों से कृष्ण की महिमा सुनाने लगे और वरुण देव के ऐश्वर्य की बात करने लगे। वरुण देव कितना धनी है, मैं वरुण लोक में गया था, इतना अपार धन है, लगे वर्णन करना। नंदस्त्वतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपाल महोदयं कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत। अपने परिवार के लोगों से, गोपों से नंद बाबा इस बात कहने लगे, बहुत चमत्कृत थे। अतीन्द्रियम, अति चमत्कार वाले, इंद्रियों से अतीत दृश्य देखे, क्या लोकपाल महोदयम, लोकपाल वरुण देव के महाउदय अर्थात ऐश्वर्य को देखे, और यह भी देखे थे कि वरुण देव और सब देवता कृष्ण को सन्नति मतलब प्रणाम दे रहे थे, भृत्य जैसा व्यवहार कर रहे थे, वे सब लोग भगवान कृष्ण को भगवान कह रहे थे, ईश्वर कह रहे थे और सब प्रणाम कर रहे थे। नंद बाबा खूब कहने लगे कि कृष्ण को वरुण देव प्रणाम कर रहे थे, सारे देवता प्रणाम कर रहे थे, मैं तो विस्मित हो गया देख करके, और अद्भुत धन है उस देवता के पास, जिधर देखो सिंहासन दीवाओं तक सोने की है, इतना अपार धन है, और ये सब सेवक हैं कृष्ण के। तो गोप लोग पूछते थे, इसके सेवक वरुण देव प्रणाम कर रहे थे? अरे हाँ भाई, लौट रहे थे, क्षमा मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, ये सब देख करके आए हैं। इस तरह के बाद नंद बाबा सुनाए कृष्ण को सब, कृष्ण के प्रति सन्नति, नति माने नत होना, प्रणाम करना, इसको सब कृष्ण के आगे झुके थे, और मैं ये सब देख करके आया। ते चौत्सुक्य धियो राजन मत्वा गोपास्तम ईश्वरम। तो और सब गोप उस दिन क्या किए, केवल आधा घंटा 20 मिनट के लिए कृष्ण को सब ईश्वर मानने लगे। तब तो जब जब वरुण देव जी कहते हैं कि ईश्वर है, उधर इंद्र आकर के कहा कि ईश्वर है, ब्रह्मा जी कुछ साल पहले कह गए कि ईश्वर है, अब तो ईश्वर है ना, फिर 15-20 मिनट में भूल गए। कृष्ण की ऐसी लीला है कि वो लोग एक ऐश्वर्य का अनुसंधान रख नहीं सकते, भूल जाते। तो जब तक ये अनुसंधान था तब तक वे एक बात कहते हैं, यदि ये ईश्वर है तो क्या अपने लोक को दिखा सकता है, वैकुंठ दिखा देगा या अप्राकृत गोलोक का दर्शन कराएगा? कहे नहीं, कृष्ण से कहे नहीं, लेकिन यही मन में सोचते रहे कि यदि भगवान है तो भगवान जिस लोक में रहता है उस लोक को दिखाए, लालसा रहती थी। तो भगवान इनके हृदय की बात जान गए और एक दिन ले गए
अक्रूर हृदय में, ब्रह्म हृदय में, जहां अक्रूर जी ने